बिहार के राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ अलेकर ने अपना कामकाज संभालने के साथ ही यूनिवर्सिटी और कॉलेज की स्थिति सुधारने की मुहिम छेड़ रखी है। राज्यपाल ने सभी यूनिवर्सिटी को अपना सेक्शन और परीक्षा नियमित करने का टास्क दे रखा है। इसके साथ ही सूबे में 4 साल का ग्रेजुएशन कोर्स शुरू करने का भी फैसला लिया गया है। बिहार के विश्वविद्यालय में इसी सत्र के चॉइस बेस्ड क्रेडिट सिस्टम आधारित 4 साल के स्नातक कोर्स की शुरुआत का ऐलान किया गया है, लेकिन बिहार सरकार ने राज्यपाल के इस फैसले के खिलाफ मुहिम छेड़ दी है। पहले शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव ने राजभवन को पत्र लिखा, शिक्षा मंत्री ने भी मोर्चा खोल दिया है। शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर ने कहा है कि बिहार के यूनिवर्सिटी और कॉलेज में 4 साल के स्नातक यानी ग्रेजुएशन के लिए संसाधन नहीं है। अभी जब 3 साल का ग्रेजुएशन है तो वो 5 साल में पूरा हो रहा है। जब 4 साल का ग्रेजुएशन होगा तो वो 7 साल में पूरा किया जाएगा। इससे छात्रों को बहुत नुकसान होगा। आपकी फिटनेस का राज क्या है? एशफील्ड रस, ये एक ही बॉटल में है। स्ट्रेस, वीकनेस, एसिडिटी, एबिसिटी, हेयर फॉल, स्किन की हर परेशानियों का एक ही हल। एशफील्ड लाइफ, डायबिटीज फ्री लाइफ। मंत्री ने कहा है कि बिहार में आधारभूत संरचना से लेकर शिक्षकों की भी काफ़ी कमी है, इसीलिए हम फिलहाल 4 साल का स्नातक शुरू करने की स्थिति में नहीं है, आगे इस पर विचार करेंगे। इससे पहले शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव के पाठक ने राजभवन को पत्र लिखकर राज्य के विश्वविद्यालय में स्नातक के 4 वर्षीय पाठ्यक्रम शुरू करने के फैसले पर पूर्ण विचार करने का आग्रह कर चुके हैं। के पाठक ने राज्यपाल सचिवालय को लिखे पत्र में कहा है कि कुलपति सचिवालय द्वारा 15 मई 2023 को पत्र जारी कर बिहार में 4 साल के स्नातक की पढ़ाई शुरू करने का आदेश दिया गया, जबकि विश्वविद्यालय में स्नातक और स्नातकोत्तर के शैक्षणिक सत्र काफी विलंब से चल रहे हैं। ज्यादातर विश्वविद्यालय अपने शैक्षणिक कैलेंडर से काफी पीछे चल रहे हैं। राज्य सरकार सबसे पहले देर से चल रहे सेक्शन यानी सत्र को ठीक करना चाहती है। इसके लिए अगले कुछ महीने में विश्वविद्यालय के शैक्षणिक कैलेंडर को ठीक करने के लिए कई जरूरी कदम उठाए जाएंगे। के पाठक ने अपने पत्र में कहा है कि मौजूदा परिस्थिति में राज्य सरकार का मानना है कि विश्वविद्यालय को सबसे पहले वर्तमान में चल रहे 3 वर्षीय स्नातक कोर्स को समय पर पूरा करना चाहिए। राज्य सरकार अभी 4 साल के स्नातक पाठ्यक्रम का समर्थन नहीं कर सकती है। के पाठक ने यह भी कहा है कि शिक्षकों से लेकर कर्मचारियों की कमी है, क्लासरूम भी नए कोर्स को शुरू करने के लिए प्राप्त नहीं है। के पाठक के बाद शिक्षा मंत्री ने भी ऐसी बात कही है, जबकि राज्यपाल ने राष्ट्रीय नीति के तहत राज्य के सभी विश्वविद्यालय में इसी सत्र से 4 साल का स्नातक कोर्स शुरू करने का आदेश दिया है। इसको लेकर राजभवन ने विश्वविद्यालय को आदेश दिया है। बता दें कि राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ अलेकर बिहार में अपना पद संभालने के साथ ही सेक्शन और परीक्षा को नियमित करने की मुहिम में जुटे हैं। उन्होंने पुराना सेक्शन नियमित कर 4 साल का स्नातक कोर्स शुरू करने का निर्देश भी दे दिया है। इसके साथ ही सभी यूनिवर्सिटी को शैक्षणिक और परीक्षा कैलेंडर जारी करने का आदेश भी दिया है। राज्यपाल के आदेश के बाद कई यूनिवर्सिटी में नामांकन की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है और 2 सेमेस्टर का सिलेबस भी बन चुका है।